बेचारे ने नई नई शादी की है, माँ बाप की कमी यह है, तवज्जो रखना, 15 साल की बच्ची हो गई और अम्मा बर्तन मांझ रही है और बेटी डबल बेड पे मोबाइल चला रही है। 18 साल की बच्ची, माँ कपड़े धो रही है और बेटी मोबाइल चला रही है। 20 साल की बच्ची, माँ बर्तन मांझ रही है और बेटी मोबाइल चला रही है, खाना बना रही है, माँ और बेटी मोबाइल चला रही है, खाना बन गया खिला दिया। 20 साल के बाद अब शादी होगी, जिसने कभी काम नहीं किया वो ससुराल में जाके काम करेगी क्या? कितने ही जहेज दे दो, कितने ही पार्ट दो, 2-3 महीने चलेगी, जैसे मुश्किल से खुशी 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 भाग दौड़ गए। उसने 1 महीना काम किया, 1 महीने के बाद उसके सर में दर्द शुरू, उसकी कमर में दर्द शुरू, उसके पेट में दर्द शुरू, उसके जिस्म में दर्द शुरू। काम किया नहीं, काम पड़ गया। ये माँ दुश्मन है, दुश्मन अपनी बेटियों को काम नहीं सिखा रही है। ये माँ दुश्मन है, अपनी बेटी को खाना बनाना नहीं सिखा रही है। ये माँ दुश्मन है, अपनी बेटी को कपड़े धोना नहीं। आज ये जो दो हाफिज कुरान हुए हैं, इनके उस्ताद ने कितनी मर्तबा इन्हें पीटा, कितनी मर्तबा इनका सबक सुना, कितनी मर्तबा इनका पिछला सुना, तब जाकर के ये मुसल्ले पे खड़े होंगे। उसके बावजूद भी कई कई लुकमा आ जाता, कई कई गलती हो जाती है। बेटियों ने काम नहीं किया, चूल्हे पे पहुंच गई, काम करना नहीं आता, सर में दर्द है। अब अगर देख लिया दवा से ठीक नहीं है, सीधा सीधा कह दिया मेरी बेटी पे असर हो गया, मेरी बेटी पे जादू का असर है, मेरी बेटी पे ऐसा असर है, मेरी बेटी पे वैसा असर है। मैं कहता हूं मेरी माँ और बहनों सुनो, तुम भी सुन लेना। सोच रहे होगे कि आज बड़ी खुल के बोला जा रहा, गारंटेड कह रहा हूं, अगर 100 लड़कियां मजार पे नाच रही है, अगर 100 लड़कियां मजार पे खेल रही है, अगर 100 लड़कियां मजार पे पेशी पड़ रही है, अगर 100 लड़कियां मजार पे कूद रही है, तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे किसी का किसी जिन का असर है, किसी खबीस का असर है, किसी अफरीद का असर है, जिसपे कोई ना कोई असर है। 5 लड़कियां होंगी और 95 खाली ढचोकला है, खाली झूठ है। अगर तुम्हें बचाना है तो इनकी टाइम पे शादी करो, इनकी वक्त पे शादी करो। 3-3 साल हो गए मजार पे जादू नहीं कट रहा है, 10-10 साल हो गए घर में रह रही है तो जादू है, वहां पे पहुंचती है तो ठीक रह रही है, मोबाइल चल रहा है, मोबाइल पे बातें हो रही है। अरे होश की पियो, होश करो, होश। अगर इन्हें ऐसी चीज से बचाओगे जो नफ्स को उबार रही है, जो नफ्स को बिगाड़ रही है, जो इन्हें बर्बाद कर रही है, बिगड़ने वाली चीज जिसको मोबाइल कहते हैं, बेटियों के हाथ में हाथ मत दो, इनके हाथ में मत दो। अगर देना है तो दीनी किताब दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दो। अगर तुमने मोबाइल दिया है तो बाल देख लेना, फिल्में बनाने वाली औरतों की तरह इनके बाल मिलेंगे, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, चलने का ढंग फिल्मों जैसा। अगर इन्हें किताब दोगे, हाथ में कुरान दोगे, अगर इनके हाथ में हदीस दोगे, अगर इन्हें हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओगे, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओगे, हजरत फातिमा की जिंदगी अगर हमारी बेटी पढ़ेगी तो खुदा की कसम बेटी हमारी खाएगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी पिएगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी चलेगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी सोएगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी उठेगी बैठेगी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी घर में होगी तो बाप के घर में हो, बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो, शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बले तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है।